अकेले का करेंगे तो खुशी का पल भी तो नहीं कि नाच करेंगे अकेले चाहे गाना गाएंगे अकेले। ऐसा क्या हो गया? अरे वो राम खिलावन भाई है ना, जानती हो, पर बच्चा के बड़ा दिक्कत है। उनकी पत्नी तो पकड़ के हमको रोने लगे, हमको बड़ी माने क्या बोले, हमको मन ही अजीब सा हो गया। क्या हो गया उनके बच्चे को? बुखार है बहुत, एक 4-5 दिन से सांस लेने में तकलीफ है, पाजर मारता है वो बच्चा, देहो नीला पड़ रहा है। ये कैसे हो गया हम कैसे जानेंगे? हमको हमको डॉक्टर थोड़ी है। अब वे गांव वाला वो नीम के पत्ता झाड़ झूर का सब कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले भाई कि भाई कोई डॉक्टर यहाँ ले चलिए, तब बोले ना ना वो बोला है कि वो अथी घस कोनो घस करके पिलाओ। हम कहे महाराज ऐसा ही है, मैंने 2-4 को बच्चा चल गया। उनकी पत्नी भी आई थी 2-3 बार मेरे पास, बोल रही थी देखिए ना मेरे बच्चे को क्या हो गया है। तो तुम एक बार बोलना चाहिए था ना हमसे, हम तो आई देखे हमको सवेरे सवेरे गए। घरेलू उपचार के बारे में बोल रही थी, कुछ बताइए बच्चा ठीक हो जाए, तबीयत खराब है। क्या कैसे क्या बोले, कौन बीमारी है समझ में नहीं आ रहा क्या है। एक वो बिट्टू की मम्मी है ना, वो बोल रही थी कि कोई डॉक्टर साहब आए। अरे वो डॉक्टर तो हम लोग पहचान में है। कहाँ? रुको रुको अभी फोन करते हैं डॉक्टर। फोन लगाइए तो थोड़ा देखते हैं। वो जो है ना, अरे पहले वो थे बहुत एक जगह काम किए हुए फिजिशियन वर्ग का, फिजिशियन काया चिकित्सा वाला जवाहर सिंह, ठीक ना करेंगे। हम लोग को पता चल जाएगा, अगर बोलेंगे तो उपाय लगा देंगे, कुछ क्या है। हाँ, हो सकता है इसके लिए कुछ होगा, जानेंगे, जागरूकता होगी तभी तो कुछ करेंगे ना। रुको ना, लग गया रुको। हाँ सर प्रणाम सर, सर हम राम खिलावन के बगल से बोले, राजा बोल रहे हैं सर। सर एक बड़ी चिंता है, हमारे लिए आपको फोन किया था, 2 मिनट का समय देंगे? अच्छा वो क्या है सर, ये जो है ना बच्चा देखिए ना, बेचारा राम खिलावन का बेटा है, 4-5 दिन से बड़ी कस के 3-4 बरस का है, बुखार लग रहा है, ओकरा सांस लेने में दिक्कत है, और सर बड़ी रो रहा था। अगर हमको सर हमको कुछ पता चले, कैसे कुछ सुझाव हमको दीजिए तो हम कुछ मदद कर पाएंगे सर। अरे बोलिए ना कि मिल लिए डॉक्टर साहब। जी सर आप आ रहे हैं? अच्छा बगीचे के पास। तो सर एक एक रिक्वेस्ट है सर, 5-10 मिनट रुकिएगा सर, है ना, हम आते हैं सर। बस सर हम आ ही रहे हैं सर, अभी आकर के हम थोड़ा जानकारी सर कुछ बता दीजिएगा, कोई हो सकता है आपसे कहीं हो जाए कुछ, तो कुछ बताइएगा तो हम लोग भी बच्चा को लेके चल जाएंगे, कल्याण कुछ हो जाए। हमको लग रहा है बच्चा, हाँ वो बच्चा हमको लगता है बचेगा सर, इसी 4-5 को बच्चा मर भी गया सर। अब कौन बीमारी है सर ये तो आप ही लोग बताएंगे सर, हम आते हैं बताते हैं ना सर। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, प्रणाम सर। अरे बोले अभी हम आ रहे हैं वो बगीचा के पास, कुछ लोग को देखना है उनको, तो बच्चा के डॉक्टर तो है नहीं। हाँ। वो तो है मान लो कि बड़ा के डॉक्टर, लेकिन फिर पूछ लेते हैं। ऐसा करो कब आएंगे डॉक्टर साहब? अरे वहाँ बोले कि हाँ, हम बोले 5-10 मिनट रुकने के लिए, जल्दी तैयार हो जाओ, चलो ठीक है अभी लगा के। हाँ जल्दी जल्दी लगाओ, लगा दी, चलो हुआ, जल्दी आओ। चलो जल्दी जल्दी चलो, सर क्षमा चाहिए, आने में विलम्ब हो गया, कोई बात नहीं, हम फोन किए थे। लेकिन सर हम जो फोन किए थे उसके पीछे कारण ये है कि बगल में जो राम खिलावन भैया है ना, ओकर बेटा बराबर जो है सर्दी खांसी और पाजर मारता रहता है, देखिए ना उसको सब जो है वो आयुर्वेदिक इधर उधर गांव का इलाज करता है, ठीक है नहीं हो पा रहे सर, हाय का तो हमको इसलिए फोन किया। उसका उम्र क्या है सर? उतना लगता है 3 बरस के बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, 3-4 साल का, 4 साल का होगा। तो हम उसका मुख्य कारण और भी हो सकता है, उसको बुखार भी है सर, सर्दी खांसी बुखार, और दूसरी बात है पांजरों मार रहा है, और सर देहो तनका सा नीला पड़ रहा है। अरे बाबा, तो ये लक्षण जो बता रहा है जी, वो लक्षण निमोनिया का हो सकता है। निमोनिया? हाँ निमोनिया है, एक फेफड़ा में इन्फेक्शन मैंने लंग इन्फेक्शन। अच्छा। और ये इन्फेक्शन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है जी, पहला बैक्टीरियल जी, दूसरा वायरस और तीसरा फंगल। अच्छा। ये तीनों इन्फेक्शन से निमोनिया खास करके 5 साल के छोटे बच्चे पे या 65 साल से ज़्यादा बुजुर्ग हैं
उन लोगों में निमोनिया का असर मुख्य रूप से पड़ता है। अच्छा, यानी कि बुजुर्ग जो है बूढ़े लोगों में भी हो जाता है, बच्चों में होता है? बच्चों में खास करके। आप प्रश्न करेंगे कि बच्चों में क्यों होता है जी? तो वैसे बच्चे जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो जी, हेल्दी नहीं हो, और खास करके जो अभी इम्यूनाइजेशन हो गया है, इम्यूनाइजेशन नहीं हो, इसका मतलब है कि बच्चे में इम्यूनिटी की कमी होगा। अच्छा। और जब बच्चे में इम्यूनिटी की कमी होगा, यही हाल बुजुर्गों में भी होता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है जी। वो खास करके जो बार बार बीमार पड़ते हैं उन लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाता है। वैसे लोगों को निमोनिया का संक्रमण होने से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, निमोनिया संक्रमित हो जाते हैं। तो इस तरह से 5 साल के बच्चे और 65 साल से उम्र के ज़्यादा को खास करके निमोनिया का प्रभाव पड़ता है। अच्छा सर, तो एक जो है ये बीमारी में ये सब होता है निमोनिया में, जो सब है वो देह हो रहा है का हाँ, हाँ, उसका लक्षण आप जानना चाह रहे हैं जी? लक्षण में मुख्य रूप से खांसी, बुखार, ये छींकाना, सर दर्द होना और खांसना, या और कभी कभी उल्टी का भी प्रभाव पड़ता है। ये आम लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी और लक्षण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही लक्षण होते हैं निमोनिया। सर, अभी आप बताएं कि 3 प्रकार का होता है। हाँ। तो कैसे जानेंगे कि कौन सा प्रकार का उसको हुआ है? हाँ। निमोनिया? नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न भी है कि निमोनिया। देखिए, इन्फ्लुएंजा को वायरल कहते हैं। इन्फ्लुएंजा तो आमतौर पर जब सीजन चेंज करता है उस समय लोगों में, और उसका असली पहचान है कि एक घर में 3 से 4 लोग या गांव पड़ोस के लोग, बहुत लोग आम लगता है कि जिसको आप सुनिए उसके यहाँ बुखार आ गया, तो समझ लीजिए कि इन्फ्लुएंजा का प्रभाव है। और इन्फ्लुएंजा में उसे प्रभावित हो जाते हैं, उसी में बुखार, सर्दी, खांसी ऑल ऑफ ए सडन हो जाते हैं जी। तो जहाँ तक बैक्टीरियल की बात है, बैक्टीरियल में भी हम स्टेटोकोकस शरीर का ही में इन्फेक्शन रहता है, और वो टेम्परेचर देख के, टेम्परेचर ऐसा उसको प्रभाव मिलता है, तो उस टेम्परेचर देख के उसका इन्फेक्शन सडनली बढ़ जाता है। माने कि शरीर में रहता है वो बैक्टीरियल, वायरल तो बाहर से आता है। अच्छा, बाहर से आता है जी। तो इस तरह से, लेकिन बात ये कि देहात में आप उस पर रिस्क नहीं लेना है। अगर देहात में इस तरह के लक्षण हो, बच्चे का सांस फूलने का मतलब हुआ कि ये जो इन्फेक्शन होता है ना, इसमें जो फेफड़ा का ब्रोंकाई है उसमें हवा के बदले में लिक्विड और पस भर जाता है। अच्छा, माने जो हवा हम लोग बाहर से लेते हैं उसमें फेफड़ा में जो है, फेफड़ा में ऐसे खोखला रहता है, हवा भरा रहता है जी। तो उस फेफड़े में अगर हवा के जगह पर लिक्विड भर जाए, पस भर जाए, फ्लूड भर जाए, तो सांस को ऑक्सीजन लेने में ऑब्जर्व नहीं पड़ता। यही कारण है कि फोर्सली लोग सांस लेता है। जब फोर्सली सांस लेगा तो असली पहचान, बच्चा तो बोलता नहीं है नहीं। तो असली पहचान नेजल से है, ये जोर से फूलता सिकुड़ता है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये फूलेगा सिकुड़ेगा, मतलब बच्चा जो है अपने ताकत से इंस्पिरेशन ले, हवा ले रहा, मैंने सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, और बुखार है, सर्दी है, छींक रहा है, तो समझना चाहिए कि ये बीमारी हो गया है। अगर तो वो वायरल हुआ है कि बैक्टीरियल हुआ है, उससे तो और डॉक्टर के पास जांच होगा तब ना कोई बताएगा। उसमें उसका क्या करेंगे सर? हो गया तो उसका क्या? अब हो गया तो जितना जल्द से जल्द हो जाए उतना, क्योंकि आप जानते हैं कि निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है। बाप रे सर, मर जाता है इसे? एकदम लाखों लाख लोग बच्चे मर जाते हैं। तो सर, एक जागरूकता के लिए तो कौन सा करना चाहिए? बिल्कुल, जागरूकता के लिए, बचाव के लिए सबसे पहले आप जो प्रश्न पूछे कि क्या करना है जी, तो करना क्या है कि जो नज़दीक के डॉक्टर है, नज़दीक के पर जितना जल्दी से जल्दी हो सके ले जाए। दूसरा चीज़ है कि निमोनिया से बचने के लिए ये आपका इम्यूनाइजेशन स्कीम चलता है, मैंने टीकाकरण जो मुफ्त में भी सरकारी सेंटर पर, सब सेंटर पर मिलता है उसका, वो होता है VCC PVV, निमोनिया वायरस है। अच्छा, तो निमोनिया के इम्यूनाइजेशन के साथ ही
सर, उस... तो बच्चों लोग को लगता है टीका? अरे बच्चे भी ना बता रहे हैं। कितने साल में सर लगता है? बच्चे के समय, हाँ टीकाकरण का बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चे का दो वीक, चार वीक, छः वीक, इसमें तीन डोज देना है, फिर 9 वीक 12 वीक में उसको बूस्टर दे देना है। अगर इम्यूनाइज, बच्चा इम्यूनाइज होगा हाँ ये वैक्सीन से, तो ये इन्फेक्शन होने का बहुत ही कम चांस है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये बार करना है कि बच्चा हेल्दी रहे। बच्चा को स्तनपान कराना चाहिए छोटे छोटे बच्चे को बचाने के लिए, और माँ को पौष्टिक आहार दीजिए। अगर माँ को पौष्टिक आहार दीजिएगा, मैंने पौष्टिक आहार का मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, इस सब भोजन में मिला रहना चाहिए। अगर माँ को पौष्टिक आहार मिलेगा तो माँ से ही दूध, बच्चा को दूध पीना होता है, वो दूध उसके द्वारा ही पौष्टिक आहार बच्चे में जाएगा, और वो दूध बच्चे, माँ का दूध जब बच्चा पिएगा तो उसका इम्यूनिटी बहुत ही बढ़ जाएगा। और बच्चे में अगर इम्यूनिटी बढ़ गया, बच्चा तब हेल्दी होगा, हेल्दी होगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगा। अगर इम्यूनिटी बढ़ गया तो इन्फेक्शन होने का कम चांस रहता है। दूसरा, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि इम्यूनाइजेशन करा लीजिए आप, निमो वायरल वैक्सीन से, निमोकोकल वैक्सीन से आपको इंजेक्शन, वो इंजेक्शन अपने आपसे तरफ सेंटर पर मिलता है, वो फ्री में है, सरकार की तरफ से उसको दिया गया है। समझ, जैसे पोलियो, डीपीटी, निमोनिया, ये सब का डीपीटी, पोलियो, ये सब है ना, टेटनस का, ये तो सब साथ ही वो भी आ रहा है सर। ये तो हो गया कि ठीक है, बचाने के लिए माँ को बहुत अच्छा अच्छा खाना देंगे, है ना, आ टीका लगवा देंगे। माँ को अच्छा खाना खास करके देना ही, खास करके जब माँ गर्भवती हो। अच्छा, गर्भवती हो, गर्भवती उस समय से तंदुरुस्त रहेगा। इसके अलावा भी जब माँ दूध पिला रही हो जी, उस समय भी देना चाहिए। अब बच्चा को पूरा दूध माने 6 महीना पिला देना, 6 महीने ना बच्चा को दूध पिलाते हैं। नहीं, आपको जब दूध पिलाना, ज़्यादा पिलाना, जब 6 महीना इसलिए कहा जाता है कि 6 महीना के बाद बच्चा कुछ कुछ अन्न लेने लगता है, तो लेने लगता है तो उसका और अच्छा हो जाता है। गांव में तो हम देखे हैं 2-2 साल तक दूध पिलाते हैं। हाँ, जब तक दूध तो अच्छा ही होता है, दूध का कोई बात नहीं, माँ का जब दूध। अच्छा सर, एक बात है कि बाप रे, इतना जो खतरनाक बीमारी है, मर जाता है आदमी, तो इसको जैसे पता चल जाए कि बीमारी हो रहा है, इसका लक्षण हो गया है जो बताए हैं, तो ओकरा क्या करना चाहिए तुरंत, तो कैसे बच्चा कैसे ठीक होगा सर, न मरे इसके लिए क्या उपाय? वही ना बताया कि जब ये लक्षण आपको दिखाई दे जी, है खास करके बच्चों में और बुजुर्गों में, बच्चे में कैसे, अभी तो आप हम लोग आज क्या विश्व निमोनिया दिवस मना रहे हैं, 20 निमोनिया दिवस पे ये संदेश, नहीं 12 है, आज 12 है, तो आज 20 निमोनिया दिवस है, तो 20 निमोनिया दिवस पर लोगों को ये बताना है कि बच्चा कैसे तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। इसके लिए ही बता रहे हैं कि माँ जब गर्भवती रहे या दूध पिलाती रहे, दोनों अवस्था में पौष्टिक आहार देना है। अच्छा, पौष्टिक आहार का मतलब होगा कि आपको बता ही दिए कि पौष्टिक आहार का मतलब सब विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब मिलना चाहिए जी। अच्छा सर, ये जो बोले हैं विश्व निमोनिया दिवस, ये कब से मनाते हैं? विश्व निमोनिया दिवस जब निमोनिया का जब ये आया, अब तो 12 तारीख को पूरे विश्व भर में उसको मनाते हैं, 12 तारीख को बनाया गया है। अच्छा अच्छा, वर्षों से मना रहे हैं। अच्छा, वर्षों से मना रहे, कोई जागृत कर रहे हैं इसमें। ये दिन क्या करते हैं सर, निमोनिया दिवस के दिन? अब आपको सारा चीज बता दिए, माने लोगों को जागृत करते हैं बच्चे, ये निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है, बड़ा चीज जी, लेकिन इससे जान भी जा सकता है, लेकिन अगर हम जागरूक रहे, अगर मैंने बच्चे के माँ बाप या समाज जागरूक रहे कि निमोनिया जानलेवा बीमारी है, इसको कैसे बचे, हो जाने पर तो बचाव अलग है, डॉक्टर के पास जाना होगा या दवा कराना, हो ही नहीं, इसके लिए बचा रहे हैं, वह बचाव कहा जाता है जी। क्योंकि एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसी में बता रहे हैं ना कि आपको बच्चा जब तंदुरुस्त रहेगा जी, तो इम्यूनिटी रहेगी, अब जिसमें बच्चे में इम्यूनिटी रहेगा तो वह रोग से बचेगा। दूसरा चीज़ कि वैक्सीन लगा लेना निमोनिया का, इम्यूनाइजेशन करा देना है,
समय पर उसको इंजेक्शन दिला दीजिए, पौष्टिक आहार दीजिए, समझ गए ना। और इस तरह के जैसे वारा के सीजन हो गया, लोग बहुत लोगों का आम जैसे इन्फ्लुएंजा में होता है, इसमें बुखार सर्दी खांसी बुखार जुकाम होता है। दूसरा चीज़ एक समझ लीजिए कि ये बीमारी खांसने से, खकार थूकने से या संपर्क में आने से भी फैलता है। गांव घर में देखे हैं सर, अगर एक बच्चा को हो जाए, देखते हैं घर भर के फैमिली को उसको हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। अगर इस तरह के कॉमन हो, आप एक साथ में खांसी हो, बुखार हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, इस तरह के कॉमन अगर समाज सोसाइटी में हो रहा है या घर में एक साथ बहुत लोग पीड़ित हो गए, तो ये मुख्यतः ऐसा लगता है कि ये वायरल बीमार है। अच्छा, वायरल है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं। वायरल में भी निमोनिया हो जाता है, लेकिन वो चूँकि वायरल 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा। तो इसमें सावधानी करना चाहिए, अगर बच्चे को ज़्यादा बुखार हो तो ठंडा पानी कपड़ा में भिगो कर सर और धो देना चाहिए। सिम्टोमेटिक में बुखार हो तो लोग पारासीटामोल दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर ज़्यादा बढ़ रहा है बीमारी तो नज़दीक के डॉक्टर के पास जाइए, ताकि वो इस निमोनिया जैसे खतरनाक बीमारी अगर है भी तो उसका तुरंत ही तत्काल उसका उपचार हो जाए। अगर जितना बढ़ेगा तो उसमें खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। सर, गांव में देखते हैं लोग बच्चा को कुछ हो गया तो लेकिन पुचकारने लगता है बीमारी में, तो ये जो है लोग पूरा गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस बच्चा को या जिसको निमोनिया हो गया उसके पीछे लग जाता है, तो नहीं करना चाहिए उसे? तो उसको हो जाएगा अगर खकारने से, संपर्क में आने से होता है तो? खकार संपर्क बच्चा खिला रहा हो तो आप तो देखे हैं अभी जो हम लोगों का कोरोना वायरस है, क्या है, हम लोग मास्क पहनता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है, उसी तरह से अगर इस तरह से इन्फ्लुएंजल इफेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंजा में तो काफ़ी गांव घर अपने परिवार के एक साथ 4-5 लोग बीमार हो जाते हैं, गांव मैंने इलाका मोहल्ला गांव सब लोग बहुत से जहाँ सुनिएगा तहाँ बुखार। इस तरह में थोड़ा सावधानी रखना है, सावधानी रखना है कि मान लें कि माँ को हुआ है, बच्चे को नहीं हुआ, तो हो सकता है कि माँ से ट्रांसमिट होकर हो जाए, वायरल है, तो उसमें कोशिश करना कि माँ अपना मास्क पहन लें, समझ गया, बच्चा के संपर्क में जाए। और बच्चा तो जल्दी से बच्चा ये नहीं होता, खाते नहीं बच्चे को, ठीक है बच्चे में ऐसी करना चाहिए, लेकिन अपने बचाव चाहे, ऐसा कि बच्चा छोड़ के कहाँ जाएगा, बच्चा तो ही करना है, तो उसे थोड़ा सा अगर ट्रांसमिशन रुक जाए उसके लिए माँ तो मास्क पहन सकती है ना, यही करना है, बचाव ज़्यादा करना है उसमें। इसके बाद में ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट पार्ट जो है, ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे अच्छा बचाव है। दूसरा पार्ट की अगर इन्फेक्टेड हो गया बच्चा या माँ या घर में और लोगों, तो सबसे पहले आपको सुसुम पानी में थोड़ा नमक गला कीजिए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करिए। अगर नहीं हो रहा है, 4-5 दिन में अगर नहीं होता है, तो आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए। सर, मैं यही पूछ रहा था कि अगर तत्काल में हो जाए बच्चे को, तो कुछ घरेलू उपचार ऐसे हैं कि उसको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? अरे घरेलू उपचार बच्चा में तो तुरंत करिएगा, बच्चा का बहुत नाजुक होता है ना, अब बच्चा बोलता नहीं है इसलिए पता नहीं चलता है कि बच्चे को कितना तकलीफ है, सांस लेने में कितना है, तो बच्चे में तो तुरंत का आपको डॉक्टर पर दिखा दें, लेकिन कोई बड़ा हो तो वो लोग थोड़ा सही कर सकते हैं, अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, गर्म पानी को भाप लेने से अच्छा होता है, गर्म पानी को में नमक डाल के गरगला कर लेगा और सब सिंपल पारासीटामोल वगैरह अपने ले सकते हैं, ले ऐसा कोई बड़ी वायरल ट्रीटमेंट का ही एति होता है कि अपना वायरल 4-5 दिन में हफ्ता विदिन हफ्ते ठीक हो जाता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छा सर, आज विश्व निमोनिया दिवस है, तो इस अवसर पर सरकार कुछ ऐसी जागरूकता है तो क्या कार्यक्रम चला रही कि जन जैसे गांव घर में जो इतने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं या एकदम ग्रामीण क्षेत्र सुदूर जहां की डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं या उनको बहुत सारी जानकारी अवेलेबल नहीं, गाँव में बहुत सारे लोगों के पास न मोबाइल फ़ोन है न या घर में टी वी है, तो उसको कैसे जानकारी दे पाते हैं हम लोग कि भाई ये निमोनिया से बचे, जैसे अभी हम बता रहे हैं, तो इस प्रकार क्या सरकारी कदम क्या है कि लोग जागरूक हो? नहीं होता है कि मेरे बच्चे को निमोनिया हो गया है। हाँ, तो इसके लिए क्या कदम? देखिए, जैसे मान लें कि आपने अच्छा प्रश्न किया, जिसके घर में टीवी है जी, तो ये सरकार का ही ना दूरदर्शन आकाशवाणी है, दूरदर्शन है जी, तो दूरदर्शन के माध्यम से हम लोग जो संदेश दे रहे हैं
ये संदेश जो दूसरे सुनेंगे तो आस पड़ोस बातचीत करेंगे। इसके अलावा भी न्यूज़पेपर में भी आता है और स्वास्थ्यकर्मी जो लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, और हर दो गांव पर सब सेंटर्स हैं। सब सेंटर पर हेल्थ स्टाफ है, या डॉक्टर्स पीएचसी लेवल में है, सीएचसी लेवल में है, या और भी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ है, या वगैरह बहुत सा संस्थान है। सब लोग इसी सब माध्यम से, पेपर के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे में फैलेगा, फैलेगा तो इससे प्रचारण हो रहा है, लोग जागरूक ना हो रहे हैं। अब कैसे जागरूकता हो, कोई ना कोई तो सर जाके बोलिए देगा, बोलेगा, बताना है। ये नहीं है कि ये नहीं है कि आप संदेश लेके अपने में बैठा है। इस संदेश को जहाँ तक हो सके प्रचार कीजिए, प्रसार प्रसार कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक लाइए। अगर जागरूकता आ जाएगी तो ये बीमारी से बहुत हद तक जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा सर, गांव घर के लोगों को भी चाहिए कि निकटवर्ती अस्पताल से जुड़े रहे, है ना, जानकारी लेते रहे, या आशा दीदी जी, क्या है, जीविका जी, ये ANM वगैरह जो जाती है गांव में, उनसे जानकारी प्राप्त करते रहे। बिल्कुल सही बात है ना, जानकारी तो लेना ही है, और जो स्वास्थ्य कर्मी को भी जानकारी देना है जी, देना। हाँ, आपका भी धर्म होता है, आप आए गाँव से, आप कितने लोगों को बताए गाँव में, आप तो समझ गए, आप बताना है कितने, आप बताइएगा, वो उनको बताएगा तो क्या स्प्रेड नहीं होगा। सर, मुझे तो पता ही नहीं था, आज आपने बताया है तो अब जाके गांव में बताएंगे। तो हम तो पूछने के लिए आपको तो फोन, इसलिए तो आए हैं सर पूछने के लिए। नहीं नहीं, यही तो बता रहे हैं कि आप जान के सोच समझ के इसको पूरे स्प्रेड कीजिए। आप जिसको बताए वो दूसरे को बताए, दूसरे को, इस तरह से लोगों में जागरूकता आएगी। हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है, जो विश्व निमोनिया दिवस है, ताकि खास करके इसमें ये संदेश लोगों को दिया जाए कि बच्चे को किस तरह से निमोनिया से बचाया जाए, पहला हो गया। दूसरा चीज़ कि निमोनिया अगर हो जाए तो उसको क्या करना है, हाँ। तीसरा बात कि माँ बाप को भी क्या करना है, घर परिवार को भी क्या करना है, तो वहाँ से शुरू होता है। ये एक नहीं कि अचानक निमोनिया आ गया, निमोनिया में परिवार का क्या उसका अपना कदम उठाना चाहिए, उनका क्या काम होना चाहिए कि ताकि महिला स्वस्थ रहे, प्रेगनेंसी के दौरान पौष्टिक आहार दें। इसके अलावा जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे को भी माँ का दूध जल्द से जल्द पिलाएं, ताकि माँ के दूध से फर्स्ट दूध पे ही काफ़ी इम्यूनिटी आ जाता है, इसके बाद जैसे पैदा हो तो उसको सेंटर पर, अगर घर में पैदा हुआ हो तो स्वास्थ्य सेंटर पर ले जाके इम्यूनाइज करा देना है। अच्छा। केवल निमोनिया ही नहीं, अदर्स भी वैक्सीन, टेटनस का, BCG का, और पोलियो का, DPT का, ये सब कुछ देना है आपका, हेपेटाइटिस का, ये सब दिलवाना है। तो वहाँ एक चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट में सब लिखा रहेगा पूरा डेट वाइज कि कब कितना दिन के अंतराल पर ये वैक्सीन देना है, ये वैक्सीन देना है। उसी में आपका एक निमोनिया वैक्सीन भी होगा, उसको भी आपको लेना है। और निमोनिया वैक्सीन लेने से अभी गारंटी नहीं है कि निमोनिया नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे को जिसको पड़ेगा उसमें इम्यूनिटी, निमोनिया से लड़ने की शक्ति ज़्यादा होगा। अच्छा, नहीं होगा भी तो लड़ लेगा, है ना, लड़ लेगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, लड़ लेगा। अगर बीमारी हुआ भी तो कम मात्रा में, वहाँ भी बीमारी होगा तो कम मात्रा में, अगर बिल्कुल ही इम्यूनिटी नहीं हुआ तब तो काफ़ी बेचारा ही हो जाएगा। अच्छा, ये बात हुई, ये तो बच्चे में बात हुई, लेकिन अगर बुजुर्ग में हो जाए, अब बुजुर्ग में नहीं हो तो क्या करना चाहिए, बुजुर्ग का हम कैसा ख्याल रखें, क्योंकि बुजुर्ग 65 वर्ष से ज़्यादा में बोले वो भी तो बच्चे के समान हो जाते हैं देख रेख के, या इसमें, लेकिन वो बुजुर्ग इतना केयर में होते हैं कि खुद का मैंने देखभाल कर सके, तो बुजुर्ग कैसे बचे। बहुत अच्छा चीज़ है, बुजुर्ग तो बोल सकते हैं, बुजुर्ग को क्या तकलीफ हो सकता है बता सकते हैं, तो वही चीज़ करिए कि आप जहाँ तक आपका जो प्राइमरी चीज़ है वो कर लीजिए, उनको भी भोजन आहार दीजिए, उनको भी शक्ति जाए। और बुजुर्ग का जहाँ तक हो जाएगा तो इंजेक्शन, एंटीबायोटिक वगैरह सब डॉक्टर से देख लेंगे कि तो बता दे कि ये लक्षण है, अगर बुजुर्ग में ये लक्षण मिले तो ये लक्षण का उपचार करा लीजिए। विशेष करके बच्चे पर ध्यान देना है कि बच्चे बोलते हैं, बोलते नहीं है कम हुआ, अगर बोलते हैं तो साफ साफ नहीं समझ, गार्जियन या डॉक्टर या कोई भी समझ नहीं पाता है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा सर, ये जो पूछना चाह रहे थे कि ठीक है, अब रह गए कि बुजुर्ग कैसे इस बीमारी से बचे, बच्चा को तो मान लीजिए टीका है, माँ का देखभाल, लेकिन बुजुर्ग को अगर ये बीमारी हो जाए तो क्या करे, और बचे कैसे,
है ना, इस पर थोड़ा सा आपने थोड़ी राय दिया जाए। हाँ, जहाँ तक बुजुर्ग में निमोनिया के प्रश्न है, तो बुजुर्ग ये लक्षण तो आप जान नहीं गए जो लक्षण होते हैं, जैसे खांसी हो, बुखार हो, सांस लेने में तकलीफ हो, खांस रहे हो, छींक रहे हो, इस तरह से नॉर्मल जो सुसुम पानी या जो गर्म कर रहे इसे नहीं हो रहा हो, पैरासीटामोल नहीं दे, तो आप इस लक्षण अगर बढ़ते जाए तो उनको जाके नज़दीक के डॉक्टर से संपर्क करके उनका ट्रीटमेंट कराएं। सर, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी ग्रामीण भाई बहन हमारे गाँव घर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें आप कुछ संदेश दें कि वो कैसे बचे, क्या बचे, कैसे करें विश्व निमोनिया दिवस पर। बेशक, विश्व निमोनिया दिवस पर मैं ये बताना चाहता हूँ, लोगों में जागरूक करना चाहता हूँ कि निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन इससे बहुत हद तक हम बच भी सकते हैं। और बचने का उपाय ये है कि जब माँ गर्भवती रहे उस समय ही पौष्टिक आहार माँ को दीजिए। अगर बच्चा अगर पौष्टिक आहार मार को जाएगा तो बच्चा हेल्दी तंदुरुस्त होगा, तंदुरुस्त होगा तो इम्यूनाइजेशन, बच्चे में इम्यूनाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा। इसके बाद जैसे ही बच्चा का डिलीवरी हो जाए तो तुरंत उसके माँ के दूध पिलाना चाहिए, ताकि पहला दूध से उसका इम्यूनिटी आने की शक्ति और बढ़ जाती है। तीसरा चीज़ कि जब बच्चा पैदा हो तो उनको जो समय पर इम्यूनाइजेशन दिया जाता है वो सारा इम्यूनाइजेशन दिलाइए। अगर गांव में अगर स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है तो वहाँ मिलेगा, अगर गांव में भी बच्चा पैदा हुआ तो उसे तुरंत जाके सब सेंटर पर इम्यूनाइजेशन का टीका लेना चाहिए, खास करके निमोनिया का तो टीका जरूर ले लेना चाहिए जी। और तीसरा चीज़ है कि ये लेने से, टीका लेने से बच्चे में रोग से लड़ने की, निमोनिया से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगा और उसको जान जाने के खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। यही हमारा संदेश है कि आप लोग जागरूक रहें, लोगों को भी जागरूक बनाएं और अपने बच्चे को निमोनिया से बचाएं। सर, आप इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम इसलिए बड़ी सर खुश हुए। तो प्यारे दर्शकों, अभी हमारे साथ बात कर रहे थे काय चिकित्सा के यानी फिजिशियन डॉक्टर जवाहर सिंह, पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी भी रहे हैं, कई जगह आपकी सेवा लगातार करते रहे, इनके साथ बातचीत के। अगर आप कोई भी प्रतिक्रिया हमें देना चाहते हैं, कोई भी अगर सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारा पता नोट करें जो आपके समक्ष है। कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 801। अगर आप हमारे ऑनलाइन ईमेल के जरिए अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा ये डायरेक्टर ddkpatna@gmail.com। और प्यारे दर्शकों, इसी के साथ दीजिए हम और हमारी तमाम टीम को अलविदा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में खास।